भारतीय किसान संघ ने शुक्रवार को ग्राम गुलाना के बिजली कंपनी कार्यालय में बिजली कंपनी की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे पूरी करने की मांग की। कनिष्ठ यंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि किसानों को बिजली कंपनी कुछ नहीं समझती और अपने हिसाब से शेड्यूल तय करती है, जबकि हम किसान होने के साथ साथ इंसान भी हैं, हमें भी सर्दी लगती है। किसानों ने ज्ञापन में रात्रिकालीन विद्युत प्रदाय के शेड्यूल को परिवर्तित करने व किसानों को कम से कम 2 माह के लिए अस्थायी कनेक्शन देने, विद्युत पोलों की मरम्मत, ट्रांसफार्मरों की मरम्मत, तार आदि से हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। किसानों ने बताया कि रात में बिजली मिलती है तो हम कैसे सिंचाई करें। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुनवाई नहीं की गई तो वृहद आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष भागीरथ सिंह तोमर, तहसील मंत्री दिलीप पाटीदार, जिला कार्यालय मंत्री लखन सिंह राजपूत, जिला सदस्य अरविंद जोशी, जिला युवा वाहिनी संयोजक रविन्द्र ठाकुर, जिला सदस्य मनोहर बुलावत, मनोहर राजपूत, तहसील उपाध्यक्ष कैलाश बैस आदि उपस्थित थे। दिनांक को माननीय किसानगणों द्वारा एक धरना प्रदर्शन का छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था जी। कार्यक्रम के दौरान इनके द्वारा माननीय अधीक्षण यंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ट्रांसफार्मर जलने बदलने संबंधी शिकायतें हैं और विद्युत लाइनों जो क्षतिग्रस्त हैं उनके सुधार कार्य संबंधी शिकायतें हैं और सिंचाई के जो अभी समय चल रहा है इसमें जो टेम्प्रेरी कनेक्शन अपने दिए जाने हैं उनको कम से कम मतलब शुरू से अब क्या 2 माह की अवधि से दिया जाए। जितनी किसान को आवश्यकता उतना वो टेम्प्रेरी कनेक्शन की वो राशि भरें, यदि उनको आवश्यकता लगेगी तो वो और आगे 2 महीने का और कनेक्शन ले लेंगे। इन चीज़ों की मांग की गई है और शेड्यूल जो अपना सिंचाई का है इसको जो रात्रि के समय जो शेड्यूल चल रहा है इसको दिन के समय शेड्यूल किया जाए सभी किसानों की सप्लाई के लिए, इसके लिए इनके द्वारा मांग रखी गई है और श्रीमान अधीक्षण यंत्री महोदय से चर्चा करके मैं इन सब मांगों को अवगत करा के और इन सब चीज़ों को क्या तुरंत से तुरंत हल करवाने का प्रयास करें। सर, बिजली कम और बिल ज़्यादा आ रहे हैं और बिजली की चोरी भी हो रही है, लेकिन अभी तक आपके विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। बिजली चोरी के लिए हमारे द्वारा निरंतर चेकिंग की जा रही है और पंचनामे बनाए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव मतलब लोक अदालत भी लगती है उसमें भी देखा जा सकता है कि जहाँ पे बहुत समझौता राशि भर के सुधार कार्य भी किया जाता है और निरंतर प्रयास चल रहा है हमारा। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के गुलाना से सलीम शेख की रिपोर्ट। किसान अगर बिना परमिशन के पंप चलाता है तो उसे जितने माह की आवश्यकता हो उतने माह का अस्थायी कनेक्शन दिया जाए, अन्यथा भारतीय किसान। We'll be right back.